जय भोलेनाथ। साथियों साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक युवा ने ठान ली है कि अपनी बैली को साफ सुथरा रखना है, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है, अपने जिला को साफ सुथरा रखना है, अपने स्टेट को साफ सुथरा रखना है, अपने देश को साफ सुथरा रखना है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर चल पड़े हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सोशल वर्क क्षेत्रों में कदम रखा था और सामाजिक कार्यों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत से लोगों का जिंदगी भी बचाया उन्होंने रेस्क्यू करके। तो उनका बात करते हैं, शिवराम जी मणिकरण घाटी यानी कि पार्वती वैली के छलाल कटाकला से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है शिवराम। उनसे सुनते हैं क्या बोलते हैं वो इस स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, इस स्वच्छ का ऑपरेशन के बारे में। ये हमारे जो पार्वती वैली एसोसिएशन के जो डायरेक्टर सर मिस्टर शिवराम जी हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो आपने ये सफाई अभियान की मुहिम चला रही है, आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं शिवराम, डायरेक्टर पार्वती वैली है टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और पार्वती वैली सर्च रेस्क्यू द लिटिल रिवर एडवेंचर्स डायरेक्टर के होने के नाते, सबसे पहले मैंने ये सफाई अभियान के लिए जो है मनाली टूर एडवेंचर्स एसोसिएशंस को मैंने इन्फॉर्म किया था, तो इन्होंने बहुत ही मतलब इसमें अपना हाथ आगे आने का बढ़ा दिया था और इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ज़रूर आएंगे, कि ये बहुत ही अच्छा काम है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मनाली टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का, तो और साथ में पार्वती टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से जितने भी वॉलंटियर्स आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सभी अभी बहुत अच्छी मेहनत कर ले, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ एक डायरेक्टर होने के नाते। और इसके बाद अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के जो स्थायी लोग हैं जिन्होंने कैंपिंग्स खोल रखी है, और उनका आपके साथ क्या योगदान रहा? देखिए, उसमें हमारे जहाँ पर तक मैंने देखा है अभी तक तो कुछ भी मतलब कि किसी से कोई ऐसी मदद की वो नहीं मिली है, और स्थानीय जो गांव निवासी है या फिर पंचायत की तरफ से यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी कोई मदद की कोई क्या नहीं मिली है। पर एक चीज़ है, जो हमारा जो हम पिछले कल से ये सफाई अभियान शुरू किया हुआ था, तो आज हमारा दूसरा दिन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कैंपिंग है जिन्होंने हमारा रहना सहना और खाने पीने का जितना भी बंदोबस्त है उन्होंने अकेले ने किया, वो है हिल टॉप कैंपिंग साइट, जिन्होंने मतलब हमने उनको सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया कि भाई आप हम लोग आ रहे हैं एक सफाई अभियान करने के लिए खीरंगा के अंदर में, तो आप हमारी क्या मदद करेंगे। और जो उस कैंपिंग सामने आया, एक बात और, वो जो वो हिल टॉप के जो ऑनर है वो बेसिकली कहाँ से है? देखिए, अभी एक तो है यहीं से, आई थिंक वर्षैनी से है, और दूसरा अपना हरियाणा से गुड़गांव से है जी, और दूसरा एक लड़का है लोकल करसोग से जी, और बहुत सही हो गया जी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इतने मतलब खीरंगा के अंदर में कम से कम आप देख सकते हो, कम से कम मुझे लग रहा है कि अभी भी 50 से ऊपर ही कैंप साइटें हैं यहाँ पे, मतलब 50 में से सिर्फ एक ही कैंप साइट जिन्होंने हमारी मदद की। आपका कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे बाकी के आप देख रहे होंगे दोस्तों, इतनी सारी कैंपिंग होने के बावजूद जो है सिर्फ एक मात्र एक हिल टॉप कैंपिंग ने जो हमारा साथ दिया है कि खाना पीना रहना, और साथ में हमारे साथ काम में सहयोग दिया, और मैं उनका भी बहुत
धन्यवाद करता हूँ कि जैसे हमारी ये मुहिम चल रही थी सफाई अभियान की, और डायरेक्टर सर से पूछना चाहता हूँ मैं कि सर आपका ये और इसके अलावा और क्या क्या योगदान रहते हैं हमारे अपने कार्यकाल में? देखिए, हम तो मतलब यही चाहते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर हमने अभी जैसे अभी जो अभी तक का जो हमने ये एक्सपीडिशन जो चला रहे हैं, मुहिम जो छेड़ी है, मेरा हमारा अभी ये मोटिवेट है कि मतलब ये जागरूकता अभियान सफाई अभियान के ऊपर जागरूक लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, और हम ऐसे आने वाले समय में भी ऐसे और भी अभियान मतलब जारी रखेंगे, जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि लोग भी जागरूक हो, ताकि हमारे जो हम लोगों के बीच में जो नेचर है आज की डेट में हमने बहुत इससे खिलवाड़ कर रखा है। तो हमारा जो है ये मोटिवेट है कि मतलब अभी हम इसको काफ़ी कुछ थोड़ा मतलब आधे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक मतलब जीवन है हमारा, तब तक ऐसी मुहिम को चलाते रहेंगे, आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए थोड़ा सा ये जो नेचर है जो बचा हुआ इसको हम बचा करके, ताकि वो भी यही नेचर को देख जी। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे लोग जो दूर काफ़ी दूर शहरों से आते हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, दिल्ली जैसे शहरों से, जो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर पार्वती वैली में आते हो आप कहीं पे भी जाते हो तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मतलब इस रूट पे ये बहुत ही वर्ल्ड लेवल्स में फेमस हो चुका है खीर गंगा ट्रैक पार्वती वैली के अंदर में, जिसकी वजह से मतलब कि टूरिस्ट लोगों के एक ही दिमाग होता है कि खीर गंगा ट्रैक ही करना है, जिसमें मतलब भारी मात्रा से आज की डेट में भारी मात्रा में जो है ट्रैकर्स लोग यहाँ पहुँचते हैं, बट उनको गाइडलाइन का करना एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो थोड़ी सी मतलब बहुत दुखद की बात है कि उनको अच्छे से कोई गाइड नहीं करता है, मतलब ये बहुत दुखद की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग उनको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करें, जैसे कि अभी हमने ये सफाई अभियान में ये चीज़ें पाई जो होनी नहीं चाहिए थी। हमारे एक होली प्लेस है, पवित्र स्थान है यहाँ जो यहाँ पर, जहाँ पर कि हमने ये देखा कि बहुत सारे अल्कोहल्स यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्सों ने बहुत सारे इकट्ठे किए हैं, मतलब बहुत दुखद की बात है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैकर्स लोगों को कि भाई आप मत आइए, लेकिन आइए, मोस्ट वेलकम है, वैली के अंदर है, नेचर के अंदर आप आइए आप बिल्कुल, लेकिन सफाई का आप विशेष ध्यान रखिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन आइए, वेलकम है, इन्जॉय करिए नेचर का, नेचर के अंदर में बहुत अच्छा यहाँ पे जो कुंड है हमारा पार्वती कुंड, इसके लिए ये फेमस है, यहाँ पे लोग इसी के लिए आते हैं, तो इसका इन्जॉय ले, ना कि मतलब इस पवित्र स्थान पे आकर के कि आप कुंड में जा कर के बैठे और वहाँ पर आप अल्कोहल जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप यही मतलब टूरिस्ट लोगों ने ये रखा कि ये मतलब डिस्ट्रॉय वहीं कर रहे हैं, जो हमने आज बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इकट्ठा करी है। तो बस यही है कि मेरा कि उन लोगों से कि एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ करके ये चीज़ें ना करें, आने वाले समय में जितने भी गाइड है, जितने भी लोग हैं ट्रैकिंग करवाने वाले, वो उनको अच्छे से गाइड करें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मिस्टर शिवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोने के नाते मैं जितने भी यहाँ पर अभी मनाली से एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया है, जो एक्सपीडिशन में कि हमने इनसे थोड़ी सी बात करी थी कि ये कोई भाई ने इनसे बात करी थी कि एक इंडिया एक्सपीडिशन मुहिम हम लोग चलाते हैं, तो उसमें से कुबेर भाई ने ये कहा कि खीर गंगा के अंदर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग तो जितने भी यहाँ पर हमारे पार्वती वैली टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से वॉलंटियर्स हैं, जितने भी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, सहयोग दिया, आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसी ही मुहिम चलाते रहेंगे जिससे कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से
पे है।